दुबई से आए एक युवक ने किया पंडोखर सरकार को चैलेंज। चैलेंज यह था कि वो एक पर्ची लेकर लाए हैं जो उनकी जेब में रखी और उस पर्ची में क्या लिखा है यह गुरुदेव सही सही बता सकते हैं या नहीं। तो श्री पंडोखर सरकार ने किया चैलेंज स्वीकार। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगू। मैं कोई भगवान नहीं कि एती मैं नहीं बता पा रहा हूँ। कल के बाद गद्दी पे नहीं बैठूंगा। मैंने लिख के रखा है एकाधिकार कोई शब्द कटा हो तो। वैसे तो मैंने ये कहा था आपसे सा अक्षर हलंत मात्रा पॉइंट भी हम नहीं खाएंगे। यदि हम एक पॉइंट भी खा गए तो भी हमारा बताना बैठ। तो कल मतलब पहले आपने लिखा श्री गणेश साई नमः जय श्री बालाजी सरकार की जय। ये कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। मैं किसी को आघात नहीं पहुंचा रहा हूं। मत मेरी प्रतिज्ञा थी इनसे, इन्होंने बहन ने जिद की थी और मैंने प्रतिज्ञा की थी और मैं भी गलती करके ऐसी प्रतिज्ञा कर गया हूं। मैं कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता हूं ना करूंगा। हाँ पढ़िए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री नहीं श्री पंडोखर सरकार की जय। जय श्री सीता राम जी की जय। चार पढ़ लिखे जी। उसमें लिखा है सुमन के सुमन का विषय या सुमन का प्रसंग या सुमन के बारे में जी। ऐसे नो यस। आपकी पत्नी सुमन को अंडे देखकर पागल एवं मानसिक झटके लगते हैं, दौड़े लगते हैं या पागल इतना लगता है या नफरत होती है। दूसरा पढ़ आपकी पत्नी घर में आम महिला की भांति किचन में या रसोई में या भंडारे में भोजन पकवान बनाने में थोड़ा देर बरतती है या बनाने नहीं देती है। छुआ छूत का डाउट होता है कि ये माल खाना पकवान दूसरे हो गया है। ऐसा ही हो पिछले 8 सालों से ऐसा ही चल रहा है। सही लेकर बोल रहा हूँ मैं ठीक है 100%। बहन करके 5 बार हनुमान जी के सामने बैठी है और आप आज से मुक्त। आज के बाद वीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संग।